पानी में कनी मनी घर बचा है तो वही में हाथ बार बचा है। हाँ देखिए कितना पानी है, घर और में चला गया है पानी, घर को पानी है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही, कोई मदद नहीं है। यहाँ पर मदद होता कैसे रहता, किसी को जमीन में रहते हैं, कोई इधर नहीं जाने देता है, नहीं उधर जाने देता, नहीं घर बनाने देता, नहीं रोड बनाने देता। 3 महीना हम लोग को बहुत दिक्कत होते है, रास्ता पेरा नहीं है जो बाल बच्चा कहीं जाएंगे। एक तो किसी नाव खरीद कर रखे हैं अपना, उसी पर सब बाल बच्चा जाते हैं, उसका पे और पैखाना कर करके चले आते हैं, हर चीज करते हैं। शहर बाजार किसी से चढ़ के सुखल में जाते हैं तो शहर बाजार करते हैं। जो खेती आप लोग करते होंगे इस दौरान, फिर वो तो खेती भी नष्ट हो जाती है। नष्ट हो गया सारा, अगली फसल भी वो भी नहीं हो गया, खत्म हो गया। कोशी हर साल अपनी विनाश लीला में हजारों घर लील कर जाती है। नेपाल के सप्तरी, सुनसरी होते हुए बिहार के मधुबनी, सुपौल, कटिहार तक सैकड़ों घर इस बहाव में या तो बह गए या जमींदोज हो गए। हम जहां हैं इसे भागवतीपुर पंचायत का गढ़गांव कहा जाता है। यहाँ की आबादी लगभग 30,000 है, जो प्रत्येक वर्ष के 3 महीने बाढ़ की चपेट में रहती है। जनप्रतिनिधि आने की सोचते नहीं है, हर साल के 3-4 महीने इन बच्चों की शिक्षा खराब हो जाती है। किसी का स्वास्थ्य खराब भी हो तो उसके लिए भी बस एक ही सहारा है, वो है नाव। किसानों का लहलहाता फसल डूब जाता है, पुनर्वास की बातें सिर्फ हवाई लगती है। फिर क्या ही कह सकते हैं, हमने इनका दर्द अपने कैमरे पर रिकॉर्ड किया। इनके चेहरे की शिकन साफ साफ बता रही थी कि सुविधा के नाम पर इन्हें केवल छल प्रपंच ही मिला है। यहाँ हम दर्जन भर परिवार से मिले, इसी में से एक परिवार के मुखिया परमेश्वर सदा अपनी बात कहते हुए रो पड़े। बाढ़ की वजह से प्रभावित जब इस गांव में हम पहुंचे हैं तो यहाँ कई सारे लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं हम, ये जो बाढ़ है उसकी मूल वजह क्या है और इनकी उस दौरान समस्याएं क्या क्या हो जाती है। अपना नाम बताइएगा। परमेश्वर जी, क्या क्या दिक्कतें आती है जब बाढ़ आती है? तो बहुत कुछ का दिक्कत है, जैसे देखते हैं न कैसे अभी आए हैं, आप भी देख रहे हैं कैसे इन लोग को समय काट रहे हैं पानी में, इसी तरह काटते हैं हम लोग। ये कैसे, मतलब कितने दिनों तक रहता है बाढ़ का प्रकोप? 3 महीने तक पानी रहता है यहाँ, ये फिक्स है, प्रत्येक साल 3 महीने आएगा। 3 महीना हम लोग को बहुत दिक्कत होते हैं, रास्ता पेरा नहीं है जो निकलेंगे, बाल बच्चा कहीं जाएंगे। एक तो किसी नाव खरीद कर रखे हैं अपना, उसी पर सब बाल बच्चा जाते हैं, उसका पे और पैखाना कर करके चले आते हैं, हर चीज करते हैं। शहर बाजार किसी से चढ़ के सुखल में जाते हैं तो शहर बाजार करते हैं। जो खेती आप लोग करते होंगे इस दौरान, फिर वो तो खेती भी नष्ट हो जाती है। नष्ट हो गया सारा, अगली फसल भी वो भी नहीं हो गया, खत्म हो गया, अगली वो भी फसल नहीं है। सरकार की ओर से कोई देखने आता है? नहीं, कोई भी नहीं, कोई नहीं देखने वाला नहीं। यहाँ जो बस समय आएगा तो हाँ आ गया समय, बस आएगा वोट हम लोग दे देते हैं, जीत जाते हैं, बस घूर के आपस नहीं जाते। कई बार ऐसा होता होगा कि बाढ़ के पानी की वजह से घर भी बह जाता होगा? हाँ, घर भी बह जाता है। अभी कितना कटनिया लगा है, बहुत कटनिया भी लगा है, 9 से छाप के ऊंचका पर दे रहा है उस साइड। तो सरकार जो बात करती है कि पुनर्वास योजना चलाएंगे, लोगों को हम नए जगहों पर जमीन देंगे, और उन्हें अभी तक नहीं कहाँ मिला है। हम लोग को मिलता है इसी पानी में मरता है बाल बच्चे। हाँ, दीपक काटते हैं यहाँ पे, हम लोग का जमीन रहता है यही पानी में रहते, हम लोग को रहने का व्यवस्था नहीं है। देखते नहीं है जो रहता, रहने का व्यवस्था रहता था, ये तरीका के रहते। आप लोग की डिमांड क्या है? हम लोग का डिमांड यही है जो हम लोग को कहीं साइड में जो हम लोग का सुखारी का जगह मिल जाए तो हम लोग अच्छा तरह से उसमें घर बनाइए रहिए, बाल बच्चा का उतना नाम चलेगा। जो नए कुछ सरकार मदद हम लोग को किया, ठीक है। और भी लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं, इनके पास भी हम जाने की कोशिश करते हैं। रास्ता बिल्कुल बेकार है और ये पूरी तरीके से पानी के आगोश में है। कब इस रास्ते को पानी अपने मुहाने पर ले ले, ये कहना मुश्किल हो जाएगा। इधर रुकिए, कहाँ जा रही है आप लोग? आप ही लोगों के लिए आ रहे हैं, इधर आइए। ये मेरा घर है, देखिए। एक सेकंड, आइए आइए, बताइए। देखिए जी, घर है, घर घर पानी घुस गया है। हाँ, मुखिया सरपंच कोई नहीं आते हैं असुल घर में। हाँ, जो देखते हैं जो कैसा है, गरीब लोग नहीं आए, विकास करने के लिए भी नहीं जगह है। बाथरूम नहीं दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं। देखिए कितना दिक्कत करते हैं, बाल बच्चा का क्या दिन घर में हगाएंगे मुताएंगे, से देखिए कितना दिक्कत है। नहीं ला दिए हैं, ला भी तो देते, जो बाल बच्चा निकल कर विकास विकास करेगा, लाभ ही नहीं दिया है। पानी नहीं है, दाना पानी मिल गया है, जहाँ पर पानी नहीं है मंगा सियोल में वहाँ पर मिल गया है, चूड़ा मिल गया, पल्ली मिल गया, यहाँ पर नहीं मिल, चारा मिल गया। हम लोग क्या देखिए सुनगर में कैसा व्यवस्था है, फिर भी देखिए माल दम बिहार में है, माल देती नहीं आया, एक सरपंच नहीं आया देखने के लिए, कोई नहीं आया। देखिए सुनगर को सदा डूब गया कि जिंदा जिंदा है, गरीब लोग है कि नहीं। पानी देखिए सर, वोट लेने के दिन में देखते हैं जो पब्लिक है क्या बोलती है आपके इधर, कहते हैं की जो ये तो पानी नहीं जाता है, सुनगर पर डूब नहीं रहा है। आप देखिए सर तो डूब रहा है कि नहीं, गलत है। नहीं बिल्कुल सही बात है, यहाँ पानी की स्थिति बहुत भयानक है। और यहाँ आसपास हम चाहेंगे कि आप एक बार घर की तरफ दिखा दीजिए, देखिए ये इतनी मुश्किलें हैं, इधर देख लीजिए कि और यहाँ स्थानीय लोगों को कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ना खुद के खाने का इनका कोई ठिकाना बन पा रहा है, ना ही इन लोगों के साथ ऐसी परिस्थिति बन रही है कि मवेशियों को ये खाना खिला सके। बहुत सारी समस्याएं हैं और सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की जा रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है, यहाँ कई सारे लोग हैं, दर्जनों की तादाद में लोग हैं, बच्चे बूढ़े हैं, कई सारे लोग भूखे भी होंगे जिन्हें खाना नसीब नहीं हुआ होगा इस बाढ़ की वजह से। जगह नहीं है तो कहाँ पर पदार कर को खाएंगे, हाँ कहाँ पर पदार कर को खाएंगे। देखिए इतना बाल बच्चा है, आप थोड़ा इधर आके बोलिए। कपड़ा भी भांस गया है, बाल बच्चा का कपड़ा भी नहीं है, भांस गया है, घर घर पानी घुस गया है। माल जाकर को देखिए घर में, देखिए सर रोज तो घर में माल घर में भूखे जगह नहीं है, अभी तक नहीं किया जो। हाँ लाले घर को जाते हैं, हमसे पहले कोई आया था आपके पास देखने के लिए? कोई नहीं, हमसे पहले कोई नहीं आया, नहीं मुखिया आया है, नहीं सरपंच आया, कोई नहीं वार्ड आया है, वार्ड भी नहीं आया है। देखिए पब्लिक डूब गई जिंदा। आप ही देखिए सर अभी पानी है यहाँ पर कि नहीं है पानी? हाँ बिल्कुल, हाँ देखिए कितना पानी है, घर और में चला गया है पानी, द्वार पर पानी है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही, कोई मदद नहीं है। यहाँ पर मदद होता कैसे रहता, किसी को जमीन में रहते हैं, कोई इधर नहीं जाने देता है, नहीं उधर जाने देता है, नहीं घर बनाने देता, नहीं रोड बनाने देता। कितने परिवार है जो विस्थापित है इन चीजों की वजह से? देखिए ना कितना है, पूरा बस्ती है, हम 10 परिवार है। अच्छा, सारे घर में 10 परिवार, 15 परिवार सारे घर में है। पूरे गांव में कितने लोग होंगे? पूरे गांव में कितना लोग होगा, देखिए ना यहाँ बस्ती है मुसरी सरेट वाला कितना है, सबके घर में 15 परिवार होता है, सब सारे घर में बच्चे भी है। देखिए कहूँ जाना का शायद नहीं है, 4000 टका दिए है तब ये अपनी लौ लिए है, तब टप रहा है, हम लोग बांध पर जा रहा है, कहीं खाने के दाना लाने के लिए, कहीं किसाने के लिए, कहीं माल के चारा लाने के लिए जाते हैं हम लोग। सरकार की तरफ से कोई देख रहा है? नहीं, कोई नहीं देख रहा नहीं है। आज 4 रोज हो गया है सर पानी आने के, अभी तक नहीं कोई सरकार आया है, नहीं कोई समिति आया, नहीं कोई मुखिया आया है। जो देखिए यहाँ पर पब्लिक डूब गया की है, कोई नहीं आया है देखने के लिए। देखिए आप अपनी आकर को देखते हैं और कोई नहीं आया है। शाम ढलती जा रही थी। हमारे कैमरे ने जो कुछ देखा हम वो सब आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में कोसी को ऐसे ही अभिशाप नहीं माना जाता, इसके कई कारण हैं।